इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही US के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है? नहीं। हमें पसंद क्यों नहीं करते? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत पसंद करते, क्या वो हमें कर्जा दे दे के थक गए? बिल्कुल, उन्होंने ये सही बात की है, जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, देखना मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं, मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चले, $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर USA में गए हैं, ये मतलब IMF के साथ हाथ फैला रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज्यादा तो इंडिया अपना इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अपना बजट बना चुका है। वैल्यूज खुद गिराएंगे है ना, कर्जे मांग मांग के मुल्क का बेड़ा गर्क करके। इसलिए पाकिस्तान तो इस वक्त सुपर पावर है। सुपर पावर एटम बम बनाया हुआ है हमने। कह रही है कि वो जो क्या नाम अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, जो बाइडेन आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले। हम माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडेन का नाम नहीं आ रहा। मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को, पता ही नहीं जो बाइडेन कौन है। जिसको सुनना ही नहीं है फॉलो नहीं करना, क्यों जाना है उनके पीछे? अभी आपको अमेरिका का वीजा मिले ना, सबसे पहले आप जाएंगे। जो शरीफ है, जो है ही शरीफ, और जो वजीर आजम है, मौसम आती तब्दीलियां, पैसे दो, डॉलर दो, नहीं तो नेवल बेस दे देंगे चाइना नू। सर पैसे दो ना, लंदन च कहते बच्चों ने हाय, कहते बच्चों ने सिर्फ 300 प्रॉपर्टियां ने, कभी 400 हो जाने की गल, बच्चे कहते भुख की करिए यार। अडानी साहब के कोल इन्ने पैसे, साढ़े को कुछ भी नहीं है, साढ़े को सिर्फ 5 जहाज ने, 10 हो जाने की फर्क पैदा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय USA के दौरे पर हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी US का दौरा करने वाले हैं। जहां नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी डील्स करने के लिए गए हुए हैं, वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भीख मांगने ही जा रहे हैं IMF से। और कुछ पाकिस्तानी सपने ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के PM और भारत के PM की मुलाकात हो सकती है। भारत के PM का तो छोड़िए, जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ के PM जो बाइडेन ने भी उनसे मिलने से मना कर दिया है। अब इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती क्या हो सकती है कि जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ का PM आपके PM से मिलने से मना कर दे। वैसे तो पाकिस्तानी जनता को अब बेइज्जती सहने की आदत ही पड़ गई होगी। आपको क्या लगता है, अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद जय भारत। कि भारत का प्रधानमंत्री जहां पर भी जाए उनको अच्छे से वेलकम किया जाता है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो, नॉन मुस्लिम कंट्री हो, वो सब के सब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं। और हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर चला जाए तो उनको प्रॉपरली पूछते भी नहीं है। पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वसीम मुनीर जिनका नाम है, उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो बाइडेन की कोई भी मीटिंग नहीं है। हमें पसंद क्यों नहीं करते? वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत पसंद करते, क्या वो हमें कर्जा दे दे कि थक गए? ये तो फिर उनको बताओ जिन्होंने लिया। मुझे तो आपको क्या लगता है? मुझे तो, मैं तो यही कहूँगी कि भाई हर एक के साथ अच्छा सलूक, उनको अमेरिका को हमारे साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए और इंडिया के साथ भी अच्छा सलूक। वो तो एक आपको पता ही है हैवी कंट्री है, और हाँ तो उनको हमारे, हम जैसे या इंडिया जैसे सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। अच्छा। हम सब एक ही है ना, एक ही लोग हैं हम सारे। इकोनॉमी का भी डिफरेंस आ जाता है ना कि आपकी मुल्क की सूरत हाल कैसी है, आपकी डेमोक्रेसी की हालत कैसी है। तो अल्लाह की देन है ना कि हमारी जो मुल्क की मशीयत है वो अल्लाह ताला ने हमें अगर कम दी है तो वो हमें भी मजबूत बनाए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमतों से नवाजा है, लेकिन ये इकोनॉमी को खुद गिराया हुआ, अल्लाह की इसमें कोई गलती नहीं। अल्लाह ने हमारे साथ बहुत ही, हर मुसलमान को। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड
एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है जी। बिल्कुल उन्होंने ये सही बात की है, जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? एक बंदा मुझे मिला दो दिन पहले, वो बेचारा होटल पे वेटरी कर रहा था। क्या उसकी एजुकेशन? बीएससी फिजिक्स किया हुआ था उसने। यार ये सुन के मैं परेशान रह गया। उन्होंने ये बोला कि $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं, ये मतलब IMF के साथ हाथ फैला रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज्यादा तो इंडिया अपना इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अपना बजट बना चुका है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे दोस्तों, उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएच पैकेज के अंतर्गत दिया है। इन्होंने हमारा माइंड लगाया हुआ कश्मीर पे, ठीक है, फलस्तीन पे किया गया है, किया तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमारा माइंड सेट किया हुआ है। ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता, जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, देख रहे हैं, वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। उन्होंने कह दिया है उधर से, काफी दफा आपने भी शायद सुना हो, स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से कि हमें, इंडिया ने कहा है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे जब वो खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडेन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। साइन क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी बात है, मोदी साहब जो बाइडेन के घर जा रहे हैं, वहाँ पर ठहर रहे हैं और जो बाइडेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से इसमें शहबाज शरीफ को या इमरान खान या पीटीआई नून लीग में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रंप थे वो इमरान खान से मिले थे और जो बाइडेन ने इमरान खान से कॉल करने से भी इनकार कर दिया था। आपको पता था जो बाइडेन की जब सिलेक्शन हुई तो ये इस बात का चर्चा किया जा रहा था कि वो इमरान खान की कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडेन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। कह रही हैं कि वो जो क्या नाम, अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, जो बाइडेन आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले। हम माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडेन का नाम नहीं आ रहा। मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को, पता ही नहीं जो बाइडेन कौन है, जिसको सुनना ही नहीं है फॉलो नहीं करना, क्यों जाना उनके पीछे। अभी आपको अमेरिका का वीजा मिले ना, सबसे पहले आप जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये सैम इस बात का गवाह खड़ा है। जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे पास फॉर्म की ऑप्शन आई थी, अमेरिका की भी, दुबई की भी। इनसे पूछ ले मैंने किसको चूज किया, इनसे दुबई को चूज किया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ ले कौन से इस्लामी मुल्क है यार, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं सैम। मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैं जाने की, मैंने नहीं किया। हालांकि तुझे पता भी है मेरे पास दो वीजे आए थे, मैंने रिजेक्ट किया अमेरिका। अच्छा, जज्बाती ना हो।